जय श्री कृष्ण। आज हम अध्याय वन के दूसरे कवि तुलसीदास के पदों का वाचन करेंगे, जिसमें पहला पद तुलसी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत। यहाँ शब्दों को भी देख लीजिए, काम का अर्थ है वासनाएँ, मद का अर्थ होता है घमंड, रत यानी उसमें लगे हुए निमित्त। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहशक्त का तात्पर्य होता है घर गृहस्थी में लिपटा हुआ। ये मेरा भांजा है, ये मेरी चाचा है, ये मेरी ताई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ, इन सबों में जो झगड़ा हुआ है, किन किन में? काम में, क्रोध में, मद अर्थात घमंड में, लोभ में, रत है, रत यानी उसमें डूबा हुआ है या उसमें संलग्न है। ग्रहशक्त दुख स्वरूप, और ग्रहशक्त कहते हैं घर के मोह माया के जाल में फंसा हुआ। ये सभी लोग या सभी कारण दुख के कारण होते हैं। ते किमि जानी रघुपति, ऐसे लोग कैसे रघुपति को जान सकते हैं या उनकी महिमा को जान सकते हैं? जो लोग काम से ग्रसित है, जो क्रोध करते हैं, जो घमंड करते हैं, जो लोभ करते हैं, अथवा जो सांसारिक मोह माया में ग्रसित है, ऐसे लोग रघुपति अर्थात भगवान श्री राम की उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, उनके बारे में वो जान ही नहीं पाते। ते किमि जानी, वे कैसे जान सकते हैं रघुपति के बारे में, उनकी कृपा के बारे में वे कैसे जान सकते हैं? मूढ़ परे भवकूप, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, ऐसे मूर्ख लोग भव यानी संसार रूपी कुएं में डूब जाते हैं। वे राम के आदर्शों पर नहीं चल सकते, वे राम के आशीर्वचनों को नहीं ले सकते, उनकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। कौन कौन लोग? जो काम से ग्रसित है, जो क्रोध करते हैं, जो मद यानी घमंड में रत है, जो लोभ करते हैं, और जो सांसारिक मोह माया से ग्रसित है, ऐसे लोग कभी भी राम के उपकार को समझ नहीं पाते। ऐसे लोग मूर्ख लोग होते हैं और उनका अंततः इस सांसारिक रूपी भवसागर में, इस संसार रूपी सागर में वे डूब जाते हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाता।